क्वेश्चन 32 का बी पार्ट आप देखिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्लेसेस ए एंड बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। हमारे पास दो प्लेसेस हैं, मैं उन्हें कुछ नाम देता हूं, जैसे नाम उन्हें दे रखा है, दैट इज ए और बी प्लेस है हमारे पास, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ऐसा कह रहा है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 180 किलोमीटर, यानी ए और बी जो है वो 180 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनोदर फ्रॉम बी। एक कार पॉइंट ए से स्टार्ट होती है और एक पॉइंट बी से स्टार्ट होती है। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 9 आवर्स। अगर वो एक तरफ, यानी यहां ए से स्टार्ट होती है एक तरफ जाने के लिए, जैसे वो इस तरफ जा रही है, मान लो ए से जो कार स्टार्ट हो रही है वो भी इस तरफ जा रही है और बी से जो स्टार्ट हो रही है वो भी इस तरफ जा रही है, तो वो कहीं, देखिए बी से कार चल दी, ए से कार यहां पे चल दी, वो कह रहा है 9 आवर्स के बाद वो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमने ऐसा मान लिया कि वो सी पॉइंट पे आके मिल जाते हैं 9 आवर्स में। अब वो कह रहा है इफ दे ट्रेवल्स टुवार्ड्स ईच अदर विद सेम स्पीड्स। पहले ये वाली कंडीशन हम बनाते हैं, तो हम यहां मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, ए से स्टार्ट होने वाली कार की जो स्पीड है वो एक्स किलोमीटर पर आवर हमने मान ली, एंड लेट द कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी उसकी स्पीड हमने मान ली वाई किलोमीटर पर आवर। अब जरा देखिए वो सी तक पहुंचने में कितना टाइम ले रही है, दोनों 9 आवर्स ले रही है। देखो ये तो यहीं से जा रही है मतलब कम स्पीड है इसकी, और ये यहां से भी 9 आवर्स में पहुंच रही है मतलब इसकी स्पीड ज्यादा है। तो मैं कहता हूं कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। अब आपसे कहते हैं कि डिस्टेंस, यहां बोल दो लेट ए एंड बी मीट एट सी व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अगर वो सेम डायरेक्शन में आपका मूव कर रही है तो वो सी पर मिलती है। डिस्टेंस कवर्ड बाई कार, आप ऐसा कह सकते हो कार ए, वो कितनी हो जाएगी, देखो डिस्टेंस होती स्पीड इनटू टाइम, इस वाली कार की जो स्पीड है वो एक्स है और टाइम लगता है उसको 9 आवर्स, यानी उसने जो डिस्टेंस कवर की है वो कवर की है 9x। यहां से यहां तक जाने में इस वाली कार ने 9x डिस्टेंस कवर की है। मैं बी वाले पार्ट का निकालूं, डिस्टेंस कवर्ड बाई, डिस्टेंस कवर्ड बाई कार बी, तो वो जरा देखिए यहां पे इसकी स्पीड है वाई और इसको भी टाइम लगता है 9 आवर्स, यानी कि 9y, और इस बी वाली कार ने यहां से यहां जाने में 9y डिस्टेंस कवर की है। अब जरा देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ले लें तो यहां पे क्या हो जाएगा, जरा चेक करें, पूरी डिस्टेंस है 9x माइनस, उसमें से अगर मैं ये डिस्टेंस सबट्रैक्ट कर दूं या फिर मैं कह दूं कि जो पूरी डिस्टेंस है वो है 9x, और जो पूरी डिस्टेंस, यानी कि आप कह सकते हो कि पूरी डिस्टेंस जो एसी है, पूरी डिस्टेंस एसी इज इक्वल टू एबी प्लस बीसी, वो क्या होगा, एबी प्लस बीसी। एसी जो है वो मेरे पास है 9x, मैंने अभी निकाली, एबी जो है वो है 180 और बीसी हमने अभी निकाली वो है 9y। इसको इधर ले आओ, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 180, 9 कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 180, यहां पे 20 टाइम्स कैंसिल हो गया, जब डिवाइड में आएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन।
x और y में हमने एक इक्वेशन यहां पर बना दी। ये जो पहला केस था जब दोनों कार एक ही तरफ मूव कर रही। अब दूसरा केस भी यहां पर है कि मान लो कार यहां पर है ए पॉइंट पे, कार यहां पर है बी पॉइंट पे। अब अगर वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, तो हम कहते हैं कि वो मान लो सम यहां इस डी पॉइंट पे मिल रही है, क्योंकि अगर वो एक दूसरे के तरफ मूव करेंगी तो बीच में ही कहीं ना कहीं मिलेंगी। तो यहां पर जो ये पूरी डिस्टेंस है दैट इज 180 किलोमीटर वो तो प्रेजेंट है। अब मैं आपसे कहता हूं इफ द कार मूव्स, इफ द कार्स मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, अगला केस वो कह रहा है कि वो एक दूसरे के तरफ मूव करती है, इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर विद द सेम स्पीड्स बिफोर, उसी स्पीड के साथ जो पहले मूव कर रही थी, दे मीट इन एन आवर, वो एक घंटे में मिल जाती है आपस में। What are the speed of the cars? तो हमें ये x y की वैल्यू बतानी है जो स्पीड ऑफ कार्स है। तो अब वो एक घंटे में मिल रही है, तो मैं इफ द कार मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट एट d, हमने ऐसा बोल दिया कि वो d पर मिलती हैं आकर के। अब ये ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा अगर d का एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं। तो कार डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए टू d, मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस covered by car A from A to D, वो जरा चेक करिए स्पीड कितनी है इसकी। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, स्पीड तो इसकी एक्स ही है और डी तक पहुंचने में ये ले रही है एक घंटा, यानी कि आपका इसका आ गया डिस्टेंस एक्स। डिस्टेंस कवर्ड बाई कार बी फ्रॉम बी टू डी, फ्रॉम बी टू डी, बी से डी तक आने में इसको कितना डिस्टेंस लगती है, स्पीड है इसकी वाई, इसको भी एक घंटा लगता है तो वाई, यानी कि मैं कह सकता हूं यहां से यहां जाने में इसने डिस्टेंस कवर की है एक्स और इसने डिस्टेंस कवर की है वाई। क्वाइट सिंपल हो गया क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखो तो जो पूरा ए बी है, ए बी को आप लिख सकते हो ए डी प्लस डी बी। आप ध्यान से देखिए AD कितना आया है X, DB कितना आया है Y और AB कितना है 180, यानी X plus Y is equal to 180। अब जरा आप चेक करो X Y में दो लीनियर इक्वेशन बन गई। अब तो क्वाइट सिंपल हो गया क्वेश्चन को करना, आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। अब मुझे दिख रहा एलिमिनेशन, वहां माइनस का वाई यहां प्लस का वाई दोनों को एड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहां पे आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 200 एंड x इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। अब x की वैल्यू फर्स्ट में रख दो, पुटिंग x इज इक्वल टू 100 इन फर्स्ट, यहां रख दिया 100 माइनस का y इज इक्वल टू 20, इसको इधर इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 80। तो स्पीड ऑफ कार A, तो कार A की जो स्पीड है वो आ गई 100 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार B जो है वो आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। ये एक क्वाइट सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, बस थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा इन इक्वेशंस को बनाने में, और जैसे ही आप ये इक्वेशंस बना लेंगे ना फिर कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, आप इन्हें सॉल्व करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू आपको यहां पर मिल जाएगी।